थिंकिंग में मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो क्या होता है इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति देने महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक लड़की आई, उसको एक लड़के ने लाया। बोला भाई ये कौन है? बोले मेरा दोस्त है। बोला अच्छा बैठी। फिर जब मैंने हिस्ट्री लेना चालू किया, अभी प्रॉब्लम क्या है, तो बोले मुझे बहुत सर भारी होता है, सर दर्द होता है, नींद नहीं आती, उदासीनता है। तो कब से है? बोले बहुत सालों से है। मैंने जरा थोड़ा विस्तृत में बताइए, हिस्ट्री बताइए। बहुत सालों से है तो क्या हुआ? अब क्या काम करती है? बोले मैं सर्विस कर रहे हूँ। उम्र होंगी अंदाजन 32 साल की, 33 साल की। तो मैंने हुआ क्या? तो बोले जैसे ही मैं 18 साल की हो गई, मतलब आज से करीब करीब 14 साल पहले, तो मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में प्यार था, हमारे कास का ही था, तो मैंने चुपचाप जाके शादी कर लिया, रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया और घर जाके चुपचाप बैठ गए, किसको बताया नहीं। जब मैंने बताना चालू किया कि मुझे इसके साथ में शादी करना है, तो घर के लोगों ने बोला कि नहीं करना है शादी, क्योंकि वो पैर से अपंग है। अब देखिए उसका इतना प्यार है, लड़का इससे प्यार करता है, और घर के लोग इतना विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो अपंग है। उसको बोले नहीं हम तो शादी करवा देंगे, नहीं तू शादी करेगी, ऑलरेडी इसने शादी कर लिया था मगर बताया नहीं था, शादी कर लेंगे तो हम तेरे को दोनों को जला देंगे, इतना मतलब कठोर बोल रहे थे वो। फिर वो डर डर के उसने उसको मनाया कि भाई जान दे, घर के लोग नहीं बोल रहे, अभी तू तेरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हम डिवोर्स ले लेंगे वगैरह वगैरह। ऐसे शादी के बाद में 5-6 महीने, साल भर तक चलाया। वो लड़का बोले मैं डिवोर्स दूंगा, डिवोर्स दूंगा, मगर उसको डिवोर्स देना नहीं था, और उसने टाइम पास करते गया, डिवोर्स कुछ दिया नहीं, पर इसको लगा कि अपने को डिवोर्स मिल जाएगा वो लड़के से, क्योंकि वो प्यार भी करता था, बोले डिवोर्स दे दूंगा ऐसा बोला था। तो तब तक फिर क्या हो गया, ये दूसरे लड़के के प्यार में फंस गई। अब वो लड़के के प्यार में फंस गई तो अभी उसके साथ में शादी करना है, तो सब अच्छा चल रहा है, घर के लोग भी हाँ बोल रहे हैं अभी। अच्छा घर के लोग मालूम नहीं कि पहले शादी हो चुकी है, डिवोर्स नहीं है, घर के लोग भी अभी हाँ बोल रहे हैं, उसने बोल दिया। बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि ये जो लड़का है दूसरा बॉयफ्रेंड, उसका और कुछ तभी किसके साथ में अफेयर चल रहा है। तो फिर उससे उसको धक्का बैठ गया, उसने उसको एक्सपोज किया, बोले ऐसा कैसा है, उसने मंजूर भी किया, बोले नहीं अभी नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, मगर ये बोलेंगे अभी मैं तो तेरे साथ में शादी करूंगी नहीं, ऐसा करके उसके साथ में भी तोड़ दिया। अब दोनों जगह से ये निकल गई, फंस गई, इमोशनली बहुत क्रश हो गई, है ना, कि भाई अभी कैसा अपने जीवन में दो दो लड़के आने के बाद में भी ऐसा हो गया। और वो पहले लड़के के साथ में थी, वो कम्युनिकेशन में थी भी कि भाई डिवोर्स दो ऐसा, मगर वो दे नहीं रहा था कुछ ना कुछ कारण। सेकंड लड़का तो कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। इधर उम्र बढ़ते जा रही है, घर के लोग बोल रहे शादी करो, शादी करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मन उधर है पहले दो लड़कों में कि नहीं वो अच्छा था ये अच्छा था। मुझे यहाँ बताना है, देखो अभी वो लड़का समझो पैर से कमजोर है या अपंग है, तो क्या फर्क पड़ता था, वो कमाता था, वो उसको संभाल सकता था, इसका प्यार भी था, जात भी एक थी, मगर अपना एक कुछ तो भी विचार बन जाता है घर के लोगों का कि नहीं नहीं वो अपंग लड़का नहीं होना, हमें लड़की अच्छी है, दिखने में अच्छी है, वो तो शादी हम अच्छे घर में कर देंगे वगैरह वगैरह। अब क्या हो गया, अभी इसके बाद में और क्लाइमैक्स है। अभी जब दो जगह ये फंस गई, तभी एक उसके साथ में काम करने वाली लड़की, वो बॉयश, उसको होना था लड़का, उसको लड़का होने में इंटरेस्ट, मतलब वो खुद ऑपरेशन करने की इच्छा रखता है, रखती है, उसको मैन बनने का है। और फिर उसने क्या किया है कि भाई अपन मैन बन गए, मतलब पुरुष बनना था उसको ऑपरेशन करके, है स्त्री, लड़की है उसके साथ में उनके ऑफिस में काम करने वाली। तो अभी करना क्या, उसने क्या किया है कि उसको बहुत इमोशनली सपोर्ट किया, जब ये टूट गई इमोशनली तो बहुत सपोर्ट किया, इसको मालूम था ये लड़की है बॉयश रहती है, इमोशनली इतना सपोर्ट किया कि वो दोनों का एक दूसरे के ऊपर इतना प्यार हो गया, मगर वो सेक्सुअल नहीं था, इमोशनली डिपेंडेंट। मगर ये जो लड़की है जिसको अपना लिंग बदलना था, लिंग बदलने की शस्त्रक्रिया करना है, उसको तो वो दिमाग में शायद शायद वो दिमाग में रख के कि अपने को शस्त्रक्रिया करना है और शस्त्रक्रिया करके इसके साथ में शादी करूंगा, तो वो हिसाब से उसने उसको सपोर्ट किया काफी, और उसको डिपेंड कर दिया कि ठीक है तेरे 2 बार तो शादी टूट गई है, मतलब दो दो जगह हुई नहीं, अब तू तेरी उम्र भी बढ़ते जा रही है, मैं तो अभी लिंग बदलने की ऑपरेशन मतलब शस्त्रक्रिया कर लूंगा कर लूंगी और फिर अपन शादी कर लेंगे। तो इसको इमोशनल जैसा बहुत वो उसने घेरे में लिया, तो फिर नेचुरली उसको लगा ठीक है भाई ये जब शादी कर लेगा, लिंग बदलना करेगा, मतलब लिंग बदलने की शस्त्रक्रिया करके लिंग बदलेगा, तो अपन इसके साथ में शादी कर लेंगे, घर में कैसे बताना, अभी फिर से प्रॉब्लम। अच्छा लिंग बदलने के बाद में पुरुष बनेगा मगर बच्चे बिच्चे होंगे नहीं, शादी कैसे करेंगे,
तो शादी करने के बाद में बच्चे नहीं होंगे तो फिर वो उसको बता रहा कि नहीं अपन अडॉप्ट कर लेंगे, उसमें क्या है। अब ये तीसरे जगह इमोशनली फंस गई है, इसको छोड़ना नहीं चाहती, बोले हाँ इसके साथ में मैं शादी कर लूंगी, ये लिंग बदलने की शस्त्रक्रिया करेगा तभी चलता है। घर के लोग अभी फिक्स में आ गए कि अभी इसका करना क्या है, ये तीसरा हो गया इसका अभी अफेयर, अभी इसका करना क्या। सिम्टम्स बहुत है, मानसिक सिम्टम्स बहुत है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसमें मुझे ये बोलने का यही कारण था कि लोगों का डिसीजन कैसे गलत हो जाता है, परिपक्वता कैसे नहीं है। एक मतलब उसका अपंग पैर है तो इतना बिल्कुल इज्जत का सवाल करके भाई नहीं उसको देना ही नहीं है, और वहाँ अपंग लड़के के साथ में शादी करना ही नहीं है, ऐसा जब किया तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो रही है। इधर उसको ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो रहा, फिर जो भी अपने को सपोर्ट दे रहा हो उसके साथ में अटैच हो रही है, जो भी सपोर्ट दे रहा हो उसके साथ में अटैच हो रही है। अच्छा होता क्या है, नेचुरल है कि 14-15 साल के उम्र में या 12 जो भी होगा आपका साल, तब क्या होता है कि बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, फिर तब से जो है ना नेचर चुप नहीं बैठने देता, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अनाज की भूख रहती है, अन्न की भूख रहती है, खाने की भूख रहती है, वैसे सेक्स की भी भूख रहती है। और इसमें फिर क्या होता है कि यदि आप संपर्क में आ गए लोगों के और अपोजिट सेक्स के संपर्क में आ गए, तो फिर कैसा भी लड़का रहा और बहुत ज़्यादा यदि सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है तो कोई भी लड़का कैसा भी लड़का चलता है, ऐसा हो जाता है। मगर हमने मैंने कभी इतने साल के प्रैक्टिस में ऐसा देखा हुआ है कि लड़की बहुत मोटी है मगर बहुत अच्छे घर की है, बहुत अमीर है, उनके घर का ड्राइवर जो उसको लेके जाता था आता था, वो ड्राइवर ने उसके साथ में प्यार किया बहुत, और वो ड्राइवर के साथ में भी शादी करने को तैयार है। ड्राइवर को तो क्या है, आज तक वो ड्राइविंग करता था, अभी तो वो मालक बन गया गाड़ी का। वो बोले मैं नहीं इसके साथ में शादी करूँगी, उसको लगता था कि अपन बहुत मोटी है अभी अपने साथ में कौन शादी करेगा, ये अच्छा है लड़का अपने को। मगर घर के लोग उसको बोल रहे कि भाई ये ड्राइवर है, इसके घर में खाने पीने की भी बराबर सोए नहीं है, ये झोपड़पट्टी में रहता है, वहाँ कॉमन टॉयलेट में जाता है, अपने घर में हर व्यक्ति को सेपरेट टॉयलेट है, वहाँ तो कॉमन टॉयलेट में लोग जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे क्या रहने के लिए। बोलते मैं कुछ भी करूँगी, मेरे को वहीं जाने का है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि इतना ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होते रहता है, इतने ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं कि उसमें वो अवस्था में बायोलॉजिकल चेंजेस कुछ लोगों के इतने ज़्यादा होते कि वो अवस्था में सारासार विचार करने की बुद्धि भी रहती नहीं है, इतने लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इसलिए कंट्रोल करना खुद के ऊपर, इमोशनली अटैच बहुत ज़्यादा हो रहे क्या देखना है, और अपने आप को संभालना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार अटैच हो गए और उसमें और एक है, एक बार सेक्स हो गया और एक बार सेक्स होके रुकता नहीं, फिर और सेक्स हो गया, तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि वो लड़की या वो लड़का एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, फिर कैसा भी लड़का रहा तो भी चलता है। तो मुझे पेरेंट्स को ये बोलना है कि भाई अपने बच्चे जो है उनके ऊपर ख्याल रखना ज़रूरी है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ में रह रहे हैं, घर में लेट आ रहे क्या, उनके साथ में बैठो बातचीत करो, ताकि एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है समझ में आएगा, और उनके दोस्त बन के रहो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।